गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी सिंथिया। यू ऑलरेडी नो मी। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और मैं इस वक्त आई हुई हूँ, बाद में बताऊँगी लेकिन पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका एयरपोर्ट। हाँ, शायद आप लोग गैस कर लेंगे ये कौन सी कंट्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना, ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई एम आउट ऑफ मलेशिया। हमेशा मेरे मलेशिया के व्लॉग होते हैं और इस बार कुछ डिफरेंट है। तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मेरी ड्रेसिंग देखे मैंने कैसे की हुई है। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो मेन चीज़ है उसके लिए हमें बस लेके, मैं अभी सिंगापुर में हूँ तो इसका जो वो वाटरफॉल है वो देखने की मेरी विश थी, तो वो देखने के लिए मैं स्पेशली यहाँ पे आई हूँ। तो अभी उसके लिए हमें बस लेके टर्मिनल 1 पे जाना पड़ेगा। तो अभी मैं बस का वेट कर रही हूँ, तो हम लोग जैसे ही वहाँ पर जाएँगे वो भी आप लोगों को दिखाएँगे। लेकिन इसका ये पार्ट भी बहुत अच्छा है इस एयरपोर्ट का, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक लास्ट में देखना। सो सी यू लेटर। तो गाइस सिंगापुर का आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत क्लीन है और अभी आप लोग देख भी सकते हैं इसका फ्लोर है ऐसा है कि मेरी शक्ल मुझे नज़र आ रही है फ्लोर में से। और इसके एयरपोर्ट की ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है विच आई कैन नॉट एक्सप्लेन। आप खुद देख सकते हैं। तो ये देखिए जी सिंगापुर का एयरपोर्ट, ये टर्मिनल 2 है और हम लोग अभी जाएंगे टर्मिनल 1 पे जो इसका वाटरफॉल है वो देखने के लिए। मैं हूँ, मेरे साथ सुनीता है और बैनी जीजू। तो इसकी ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दे आर गोइंग अप एंड डाउन और ये नीचे से हम लोगों ने इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, वी आर वेटिंग फॉर द बस। तो मैंने सोचा मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। So interesting. So हम लोग जो है बस स्टॉप पे आ चुके हैं। अभी जो हमारे पीछे है ये टर्मिनल 4 की बस है। तो टर्मिनल 1 की जब आई थी तो फिर हम लोगों ने बैठ के वहाँ पे जाना है। तो फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो यहाँ की मेन चीज़ है। और उससे पहले मैं मिलवाना चाहती हूँ कि मेरे साथ कौन कौन है। बस हम लोग वही देखने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे वहाँ पे पहुँचते मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आगे से हटी है तो मेरा रंग भी साफ लगने लग गया। तो सी यू लेटर गाइस। सुनिया बहुत अच्छा नहीं इस बार नहीं। ओके गाइस, तो ये रहा जी इसका लोगो सिंगापुर का, एससी लव। ये बहुत प्यारा था, हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर्स भी बना ली हैं। अगर आप लोगों ने हमारी पिक्चर्स देखनी है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मेरी मोस्ट फेवरेट जगह पे। आई फील सो हैप्पी। हाय रितू, वाओ इट्स सच अमेजिंग। मैंने जैसा वीडियोस पिक्चर्स में देखा था उससे कहीं ज़्यादा ये बेहतर है। बेहतर नहीं, ब्यूटीफुल, इज सच अमेजिंग। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ। मैंने जन्नत देख ली है। जो जो पकड़ना बैग में, आगे से आ रही हूँ। ओके, तो अभी मैं थोड़ा क्लोज जाती हूँ इसके और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। वाओ ये बहुत अच्छा पिक्चर्स पॉइंट है। तो गाइस वीडियो बन चुकी है, अभी ज़रा मैं थोड़ा फ़ोटो शूट कर लूँ। तो फोटो देखने के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना। सी यू लेटर। तो ये गाइस हम लोग एक फ्लोर ऊपर आए हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे फ़ोटो शूट के स्पॉट्स बने हुए हैं। और हम लोग अभी बहुत थक चुके हैं तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं बनाई। घर नहीं मतलब होटल में जा रहे हैं। तो होटल पहुंचने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं।